राजधानी भोपाल में 75वें संविधान दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में संविधान दिवस पदयात्रा निकाली गई। शौर्य स्मारक से पदयात्रा की शुरुआत हुई, जो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की परिक्रमा लगाते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समाप्त हुई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी समेत कई लोग मौजूद रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि आज संविधान दिवस पर यात्रा निकाली गई और साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 75वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। पदयात्रा में राजमंत्री कृष्णा कौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी समेत युवा खिलाड़ी और कई नागरिक उपस्थित रहे। आज संविधान दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने संविधान दिवस पर पदयात्रा का निर्णय लिया है और आज ये पदयात्रा शौर्य स्मारक से शुरू होकर अंबेडकर जी की प्रतिमा का परिक्रमा लगाने के पीछे का लक्ष्य यही है कि एक तरफ वो शूरवीर जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करें ही, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर नमन करते हुए उसकी परिक्रमा लगाते हुए इस संविधान की हर उस मूल भावना को अपने मन और मस्तिष्क में उतारे जिसके माध्यम से ये देश 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। और इसीलिए हमारे मंत्री कृष्णा गौर जी, रामेश्वर शर्मा जी, हमारे भगवान दास सबनानी जी सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा में हिस्सा लेकर संविधान के प्रति अपने संकल्प और कृतज्ञता का ज्ञापन किया।